हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पर। बेटा, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा 3 लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने 30 क्वेश्चन अभी तक क्या कर लिए, कर चुके हैं। रिमेनिंग का क्वेश्चन क्या करेंगे, इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। और जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हम एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद से क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ठीक है, सॉरी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, वो टॉपिक पढ़ करके हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बेटा आइए, ये जो चैप्टर है इवोल्यूशन, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर क्या किए थे, 30 कर लिए थे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 से आगे क्या क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से। तो लिखा है बेटा हमारा जो 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद फॉसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन associated with the fossils, ठीक है ना। मतलब fossils के study को क्या कहते हैं, embryological, paleontological और anatomical और morphological। तो embryological का मतलब क्या होता है, study of embryo को ही क्या कहते हैं, embryological कहते हैं। anatomical का मतलब क्या होता है, study of internal structure को हम क्या कहते हैं, और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, study of external structure को ही क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। तो अब हमारा एक क्या बच गया, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन किसमें होगा बेटा, तो paleontological इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है, Which of the following scientists proposed theory of inheritance acquired characters? Darwin, Lamarck, ठीक है, Willard and Donald। तो ये जो है inheritance of acquired characters को किसने दिया था बेटा, Darwin ने नहीं दिया था। Darwin ने क्या किया था, Darwin ने दिया था the origin of species, क्या लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को क्या किया था, दिया था। लैमार्क, ठीक है, लैमार्क ने क्या किया था बेटा, दिया था। बाकी ये जो विलर्ड और डोनाल्ड, इन्होंने नहीं दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो क्या है, बी, लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा लैमार्क। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया, विच एंजाइम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, ठीक है बेटा। तो वहां पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो आइए आपको मैं वो बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिएगा बेटा, सबसे पहला हमारे पास ये डीएनए है, ये हमारा क्या है, डीएनए। इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे सेगमेंट बने होते हैं। तो हम पूरे डीएनए को एक साथ ओपन नहीं कर पाएंगे,
एक साथ हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, सिर्फ ओरिजिन वाले को ओपन करते हैं, उसको ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन। ठीक है, तो जब डीएनए को हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन को जब हम ओपन करते हैं, इस डीएनए को जब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, और आधा इधर से खुलता है। ये डीएनए क्या होता है, खुल जाता है। तो इस वाला ऐसे जो डीएनए बना, जब ओपन ऐसे डीएनए होता है, तो हम इसको नाम देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या नाम देते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क इसको नाम देते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5-2, 3- और 3-2, 5-. तो इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर डीएनए, इसके ऊपर बेटा आरएनए पॉलीमरेज ऐसे क्या होता है, बना होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो पाता है। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया था डीएनए बना, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, क्या बन गया, प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या होता है, ऐसे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ जाता है और बीच बीच में ऐसे खाली बन जाता है, तो वो का जाते फ्रेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है, इसी का नाम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी, आरएनए पॉलीमरेज, क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर जब 34 तक आएंगे तो क्या लिखा है क्वेश्चन, वो देखते हैं बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना, क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है ना, किसके ऊपर बेस्ड जो होता है केमिकल इवोल्यूशन, वो पूछ रहा है आपसे। तो केमिकल इवोल्यूशन जिसके ऊपर बेस्ड होता है, ये पढ़ते हैं फटाफट, इंट्रैक्शन ऑफ वाटर, इंट्रैक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट, क्या होगा, क्ले अंडर इंटेंस हीट। बी वाला क्या है, इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल। तीसरा पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। चौथा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो हमारा ओरिजिन होता है कॉम्बिनेशन, वो केमिकल्स के लिए होता है। तो इसका आंसर बेटा हमारा तीसरा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा गया है, देखिएगा, डार्विन थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डार्विन थियरी ऑफ पेनेजेंसिस शो सिमिलरिटी विद द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, देन व्हाट शैल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट। कौन सा वाला क्या है करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो पहला लिखा है यूजफुल ऑर्गन बिकम स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड व्हाइल यूजलेस ऑर्गन बिकम एक्सटिंक्ट। दूसरा साइज ऑफ ऑर्गन इंक्रीज विद द एजिंग। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इज ड्यू टू विल पावर, विल पावर से वो क्या करता है ऑर्गन को डेवलप करता है। फोर्थ देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो डार्विन थ्योरी के अनुसार बेटा फोर्थ वाला आंसर क्या होगा सही होगा, देयर शुड बी फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तभी तो उन्होंने एक्वायर्ड इनहेरिटेंस को उन्होंने एक पुस्तक में पुस्तक को लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डी या आप चार बोल सकते हैं, फोर्थ वाले का क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया, फॉर्मेशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज्ड फ्लास्क। बेटा मिलर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, एक फ्लास्क को ऐसे लिया था, इन्होंने एक ऐसा फ्लास्क लिया था, एक ऐसा फ्लास्क लिया था ठीक है, मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री। तो उसमें उन्होंने क्या क्या मिक्स किया था ये पूछा है, क्या क्या मिक्स किया था। तो सबसे पहला इसके अंदर उन्होंने क्या रखा था, CH4 डाला था प्लस H2NH3 और H2O, तो वो क्या किया था मिक्स किया था ठीक है। तो पूछा इस एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज्ड फ्लास्क, क्लोज्ड फ्लास्क में क्या क्या डाला था। तो बेटा ए वाला मतलब पहला वाला जो लिखा है CH4NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री उन्होंने मिक्स किया था, तो क्या बना था उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा ठीक है। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू ओपेरियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, अकॉर्डिंग ओपेरियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। बेटा ये पूछ रहा है आपसे कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो सब इसमें से क्या नहीं प्रेजेंट था। तो मैं बताऊं कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम क्या क्या प्रेजेंट था बेटा, सबसे पहला CH4 प्रेजेंट था ठीक है, CH4 हाइड्रोजन एंड क्या क्या प्रेजेंट था बेटा, ये सारे प्रेजेंट थे, CH4 गैस NH3 प्रेजेंट था ठीक है। उसके बाद आपस में केमिकल रिएक्शन किया CH4, तो क्या हो गया बेटा पानी बन गया, और जब पानी बना तो पानी से क्या मिला ऑक्सीजन मिल गया, क्या मिल गया ऑक्सीजन, तभी जाकर के हम इस अर्थ पर जिंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 के अनुसार प्रिमिटिव में क्या नहीं प्रेजेंट था, ऑक्सीजन, क्या था बेटा ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी हो जाएगा, 37 का आंसर क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है ये पूछ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहला जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है बेटा, तो उस टाइम क्या हुआ था, सबसे पहला बना था हमारा सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स। पहले नंबर पे बना सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, तो पहला हो गया हमारा। सेकेंड नंबर क्या हो गया, सेकेंड नंबर। उसके बाद बना सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो दूसरा बना और तीसरा बना। फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, मतलब पहला बना फॉर्मेशन ऑफ, तो दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। किस ऑप्शन में? दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स। ठीक है, एनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स में, तो सारे मतलब ढेर सारे वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल क्या होगा, होमोलॉजी, एनोलॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन। तो क्या होता है बेटा, फोर लिम्स में जो बोन प्रेजेंट होता है, तो एक होता है होमोलॉगस, दूसरा होता है एनोलॉगस। होमोलॉगस मतलब सेम स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, सेम टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा होमोलॉजी। क्या होगा, होमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए हो जाएगा, होमोलॉजी में क्या होता है स्ट्रक्चर और फोर लिम्स में, ठीक है ना, ये होगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है देखिएगा, द अर्लीएस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपियर्ड ऑन द अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रेजम्बली एन एरोब्स, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेयर द कीमो ऑटोट्रॉफ दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन ऑफ द एवब स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, बोथ ए एंड बी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी फॉल्स है, ए करेक्ट है, बी फॉल्स है, बी करेक्ट है और ए। तो बेटा यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दिया है, द अर्लिएस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपियर्ड ऑन द अर्थ वेयर नॉन डिग्रेडेबल नॉन ग्रीन प्रेसरेबल, मतलब ये वाला सही है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेयर द कीमो ऑटोट्रॉफ दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन, सही बात है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया था, ठीक है ना, तो ए और बी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का पहला जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है, विच वाज अब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, क्या अब्सेंट था ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या हमारा अब्सेंट था ये पूछा गया है, ठीक है। तो NH3, H2, O2 और CH4, ठीक है ना। तो बेटा जब ओरिजिन ऑफ लाइफ बना था तो उस टाइम ऑक्सीजन क्या था, नहीं प्रेजेंट था, ये मैंने आपको पहले बता चुका।
तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायोनिस्ट, ठीक है, एंड माइक्रोस्फीयर एज इन्वेस्टेड इन द बायोजेनेटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। जरा इसका आंसर चेक करिए क्या आपसे बन पा रहा है, क्या हो पा रहा है, जरा देखिए। तो द वेयर पार्शली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग दे कुड मेंटेनेंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, दे वेयर एबल टू रिप्रोड्यूस, दे कुड बी सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? तीसरा, दे वेयर एबल टू प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है ना। चलिए तो बेटा हमने यहाँ पर 42 क्वेश्चंस कर लिया। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, आगे का जो क्वेश्चन है वो कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।